أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. صدق الله العظيم. और अगर ये बात ना होती कि सब लोग हो जाएं एक ही दिन में, सब काफिर हो जाएंगे, तो हम जो इनकार करने वाले हैं रहमान का, जो रहमान का इनकार करते हैं, उनके घरों की छतें और उनकी सीढ़ियाँ जिस पर वो चढ़ते हैं सब चांदी के कर दें, और उनके घरों के दरवाजे और तख्त जिस पर वो बैठते हैं सोने के कर देंगे। ये सब कुछ नहीं है मगर दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सा फ़ायदा उठाना, ये सब मताए दुनिया है। और आखिरत उन लोगों के लिए है तेरे रब के पास जो मुत्तकीन हैं, अल्लाह से डरने वाले। ये लोग बोल रहे थे ना, क्या ऐसे पहले क्या है नो, बड़े बड़े लोग हैं वैसे मक्का में, इतने बड़े लोग आए और जो है ताइफ में इतने बड़े लोग आए, उनको जो है नबूवत देना चाहिए था, बड़े बड़े सरदार हैं चौकार हैं उनको देना चाहिए था, इनको दिए। तो अल्लाह ताला उसका जवाब ये दे रहे हैं कि जो है वो पहले तो कहा कि जो है किसे देना वो हम ना मालूम है, फिर अब यहाँ बताया जाए कि ये दुनिया अल्लाह की इतनी अखीर है, अगर हम चाहते तो ये जितने लोग इनकार करने वाले हैं सबके घरों के छतें और उनकी सीढ़ियाँ चांदी कर देते, उनके घरों के दरवाजे सोने कर देते थे, तख्त और बैठते सोने कर देते थे। इतनी हकीर है हमारे नज़र दुनिया, एक मसले किसी नहीं कवर ना, सारे लोग काफिर हो जाते थे, तो ऐसा कर देते अल्लाह ताला कोई भी क्या सभी इन्हें दुनिया, इंसान की फितरत वैसी है, वैसी दे दिया पड़ता उन्हें, क्योंकि आज भी इंसान की जो नफ्सियात है वो बैठ, सिर्फ चंद ही लोग जो वाकई अल्लाह को चाहने वाले हैं वो बच, सब कैसे बोझ जाते थे पैसे क्या कर, क्या नहीं करता जी बोलते हैं पैसे क्या नहीं करता जी सोने चांदी के जो है उनके घर बना दिए जाते, घर की छतें उनकी सीढ़ियाँ उनकी जो है बैठने की चीज़ें दरवाजे सब सोने चांदी के होते, तो क्या करता है रे वो अच्छा बाबा, क्या करने का तो ये मिला बस क्या होता आगे होता होता है। कितने ऐसे लोग हैं बोला, सब लोग इसलिए अल्लाह ताला नहीं किया, चाहे तो अल्लाह दे सकता है, अल्लाह के पास क्या कमी नहीं है, ज़रा पैसे मिले तो इतना हटता है वो, इतना वैसे क्या नहीं करता आदमी, कुफ्र करो क्या करो कसम परेशान हो जाता है, ये करने का मतलब है। थोड़ा पैसा मिला तो आदमी कितने दिन से पलट जाता है, अगर वो सोने चांदी के उसके जो है घर के दरवाजे बन जाए छतें बन जाए तो क्या नहीं करता बोलो, कुफ्र क्या कितना बड़ा कुफ्र करने तैयार हो जाता है, तो इसलिए जो है अल्लाह ताला नहीं कर रहा, सब उधर इंक्लाइन हो जाएंगे, सिर्फ चंद गिने चुने बंदे अल्लाह के बाकी रहेंगे। तो तुम जो बोल रहे हो कि इनको माल दौलत नहीं है, सरदारा क्या है, दुनिया हमारे लिए इतनी हकीर है, तो माल दौलत की इजाज़त थी फजीलत का सबब नहीं है। तो हदीस में आता है कि लोकाना तादिर दुनिया इंदल्लाह जनाह बऊज़तिन, ये दुनिया की कीमत अल्लाह के मच्छर के पर के बराबर ही होती तो किसी काफिर में फुट पर नहीं मिलते, मालूम इसी हकीर दुनिया अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह के वसलम जो है जा रहे थे रास्ते में, बकरी का बच्चा मरा पड़ा था, कान कटे हुए थे उसके, कौन लेता है इसको दिख रहे बोले, तो कॉमन माल बकरी था ना उसको, अभी कौन मरा हुआ कौन लेते बोले, कान भी कटे हुए मरा है कौन लेना, जानो खूब जान लो कि अल्लाह की दुनिया इससे भी जलील है, दुनिया इससे भी जलील है। अल्लाह इन दुनिया मलूहत माफिया, दुनिया अल्लाह की रहमत से दूर कर दी गई है, दुनिया में जो भी वो भी अल्लाह के रहमत से दूर है, सिवाय अल्लाह का जिक्र या जो अल्लाह की मददगार बनने वाली चीज़ें हैं, ऐसी दुनिया के पीछे इंसान लगा हुआ है मालूम है, कौन कौन जिब्बे दाढ़ी वाले लोग, ये आवाम पर छोड़ो जिब्बे दाढ़ी वाले लोग उस दुनिया के पीछे लगे, ऐसी हकीर दुनिया के पीछे, क्योंकि उनका अल्लाह के पास क्या मकाम रहता है कुछ भी नहीं, जिनको अल्लाह अकबर का सही तलफ नहीं आता है, जिनको दुरुस्त सही नहीं आता है, जिनकी दुआ गलत है, बस गाड़ी ढक लेके जा रहे, क्यों दुनिया की ऐसी मोहब्बत इंसान के अंदर है, तो बताया जा रहा है कि
जाले के मता वाला ये दुनिया का चंद दिन फायदा उठाना है, कितना बेरत क्या होने वाला। हा? तो मता किसे कहते हैं? चिंदिया पेज क्या तीन कपड़ा पहुंच फिर तुम चिंदी उसे रहते देखो खराब चिंदिया रहते ना वो। मता किसे कहते हैं? वो एक किसी से क्या था कि जो है सही तलफुज सही मतलब क्या है वो जानने के लिए वो जाकू वहाँ के खरियों में रहेगा उन्होंने कौन अरबी जबान सीखने के लिए शहरों में जबान नहीं मिलती तो वहाँ जा कर वहाँ से तो नाले वो मता लग जाकर बोली छोटी बच्ची बोली थी तो चिंदी पे पोच पहने की चिंदी खोलते वाला हो गया। आज जो है वो ये है तो पेपर आते हैं उसके क्यों टिश्यू पेपर होता हूँ पोच को फेंकने का नाक पोच को फेंकने का हाथ पोच फेंकने का वो मता मता खा बत्ती है अल्लाह के ये दुनिया उसके पीछे इंसान लगा हुआ है देख रहे मिली नहीं वो मिली तो क्या करता मन नहीं मिली सोच ये ताकड़ रहा है ये मामूली तो ताकड़ रहा है अगर हम चाहे तो ऐसा करते थे अल्लाह ताला बोल रहे हैं हम चाहे तो सोने चांदी के बना देते उनके घर नहीं बना रहे हमें बनाए तो फिर क्या है पूरी लेनी जो जाकर देती ऊपर मुस्कुरा दिखाया कि अगर काफिरों पर माल दौलत की इतनी फिरौने कर दी जाए तो सब काफिर हो जाते इससे मुराद भारी अक्सरियत अल्लाह के कुछ नेक बंदे आज भी ऐसे मौजूद हैं यकीन लगते हैं कुफ्र इख्तियार करने के माल दौलत से वो निहाल हो सकते हैं लेकिन वो माल दौलत की खातिर कुफ्र इख्तियार नहीं करते उसमें भी ईमान पर कायम रहते हैं उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर आज भी वही हाल है कुछ नहीं सोए लोग हम पलट रहे कुछ ही लोग हैं जो आटे में नमक के बराबर जो है बाकी सब लोग जो है उसी में बह रहे हैं तो दुनिया अल्लाह के नज़दीक ऐसी हाँ अगर हम कुरान पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति वक़ीना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अन्फुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन इन्ना अल्लाहा वमलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله دنیا حاصل کرنے سب کر رہا ہے کئی سیکھ رہے ہیں انہوں سیکھ رہے ہیں انہوں کی سیکھ رہے ہیں بھائی اللہ انہوں کی سیکھ رہے ہیں ہمیں کی سیکھے سب دنیا کا حصہ تو پوری عمر اس میں لگا رہا ہے انسان پوری صلاحیتیں پورا عمر پورا پیسہ لگا کو دنیا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے کیونکہ دنیا اللہ کے نزدیک ہے یہ دنیا اگر دین میں مددگار بنتی ہے تو وہ جو ہے دنیا اللہ کے رحمت سے دور نہیں وہ بھی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ये दुनिया को जो है जो तुम्हें हासिल हुई है अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया बनाए अल्लाह के जिक्र को मददगार बनाए तो ये दुनिया अल्लाह के नज़दीक जो है मलून नहीं और तो सब दुनिया मलून ही